उमरिया जिले के पाली वन परिक्षेत्र में तेंदुए की ट्रेन की टक्कर लगने से मौत हो गई है। तेंदुए की उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी वन अमले को दोपहर 12 बजे लगी, जिसके बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डीएफओ मोहित सूद, एसडीओ आरएल शर्मा, रेंजर रवि पांडे स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर तेंदुए को घटनास्थल से पंचनामा कर शव को पाली डिपो लाकर तेंदुए का पीएम 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम के द्वारा करवाकर शव का अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें, पाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत यह कोई पहला मामला नहीं है जिससे वन प्राणियों की मौत हुई हो। पहले भी यहां कई वन प्राणियों की ट्रेन की ठोकरों से मौत हो चुकी है। जो आज मृत पाया गया है वो हमारे पाली परिक्षेत्र के 534 कंपार्टमेंट के साथ लगे हुए राजस्व क्षेत्र में पाया गया है, और ये रेलवे की दुर्घटना की वजह से, रेलवे की ट्रेन से की चपेट में आने की वजह से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये इसकी मृत्यु हो गई है। कितने साल का? ये 4 साल का होगा लगभग। सर, इसके पूर्व भी कई वन्य जीव ट्रेन से कट के खत्म हो चुके हैं, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं और चिंतित हैं। इसके लिए हम बार बार रेलवे प्रशासन से निरंतर पत्राचार किया है और मीटिंग्स भी की हैं, और इस बार हम उनको बड़ा सीरियसली बताने वाले हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं रोकनी पड़ेंगी। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, जैसे कि ट्रेन की स्पीड कम करना, या बार बार हूटर इसका प्रयोग करना, या टर्निंग्स पे ट्रेन को धीरे ले जाना, वैसे सारे, और क्योंकि अभी तीसरी लाइन भी बन रही है तो हम रेलवे को बिल्कुल अंडरपास और ओवरपास बनाने के लिए भी निर्देशित करेंगे कि जहाँ जहाँ पे वन्य प्राणियों की दुर्घटना संभावित होती है वहाँ पे अंडरपास ओवरपास बिल्कुल बनाए जाएंगे।